ओ भाई ओ भाई ओ काटना हट काटना अरे देख चारों तरफ घंटिया ही घंटिया है। अरे अरे भाई प्रसाद में छपट्टा मार दे। अरे प्रसाद। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका इंडियन ब्लॉगर्स के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे इतना कोहरा हो रहा कहाँ से लग रहा है। तो एक्चुअली ना अभी 6 बज रहे हैं और मैंने जैसे बता रखा था, मैं अल्मोड़ा आ रखा था क्योंकि मेरा एसएससी जीटी का मतलब आर्म फोर्सेस का मेडिकल था। मैंने आपको बोल रखा था लास्ट वीडियो में कि मैं बताऊंगा बाद में। तो क्या कहते हैं, अभी 6 बज रहे और मैं जल्दी निकल गया। तो यहाँ देख लो आप, अल्मोड़ा में ऐसी है, क्या कहते हैं, यहाँ जल्दी कोहरा वोहरा लग जाता है। मतलब सुबह सुबह कोहरा लग रखा है और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। तो अभी तो मैं जा रहा था और बीच में मैं एक दो दिन का इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और उसके बाद दिन में लंच के बाद क्या कहते हैं आई टेस्ट हो रहा था, हाइट वेट टेस्ट हो रहा था। तो उस वजह से भी मैं बिजी था, शाम को ही छूटा। और कल मेरा फुल डिटेल मेडिकल चेकअप था, उस वजह से भी मैं शाम को ही छूटा। तो जिस वजह से ब्लॉग व्लॉग तो आज क्या है, आज रिजल्ट आने हैं। तो आज कह रहे थे 7:30 बजे बुला रखा हमको एंट्री है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया घर से। तो हमें बोल रखा था कि 7:30 बजे तक आप एंट्री कर लेना और 11 बजे तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन ग्राउंड फिट है, कौन इसको रही मेडिकल मिला करके, तो किसको री मेडिकल मिला है। और क्योंकि कुछ बच्चों को कल थोड़ा पॉइंट में डाउट आ रहा था तो उनको भी बोला था कि आप लोग जल्दी आ जाना तो एक बार रीचेक करेंगे। तो उस वजह से हम सब लोगों को जल्दी बुला रखा है। और एक तो यहाँ ब्लॉग शूट करते हुए मुझे दिक्कत ही हो रही है, यहाँ पे बंदर बहुत है, कहीं पता चले मेरा हाथ से फोन दिखा रहा, मैं दिखाता हूँ। देख ही मत, खुला है। तो अभी चलते हैं पटाव से, देखते हैं अगर जब रिजल्ट आएगा मैं आपको तब मिलूंगा। तो देखते हैं अभी रिजल्ट कैसा आता है, आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो चलो अभी चलते हैं, फिर वापस बाद में मिलते हैं। सो ये सब लोगों को यहाँ पे बैठा रखा है, देखो हम सब वेट कर रहे हैं, अभी हमको रिजल्ट बताएंगे। ये देखो ये सब, कोई लेट रखा, कोई फ़ोन चला रहा है। और गाइस ये देखो सामने SSB वालों का शिव जी का मंदिर है और ये सामने उनका क्वार्टर है रहने का। तो दोस्तों आज ही अगला दिन है, कल के कुछ क्लिप्स में ग्लिच आ गया था जिस वजह से मैं उन्हें लगा नहीं पाया। तो आज मैं अल्मोड़ा का, आपने सुना होगा चितई गुल्ला मंदिर है, वहाँ जा रहा था। ये देखो आज भी पूरा कल की तरह कोहरा ही लग रहा है यहाँ पे। देखो ये देखो पूरा अच्छे से कोहरा लग रहा है। और ये रही सबसे डेंजर जगह अल्मोड़ा की, डिस्ट्रिक्ट जेल। हम चलते नीचे बाजार की तरफ को क्योंकि वहाँ नीचे से गाड़ी मिलेगी ना हमको वहाँ चितई गुल्ला मंदिर जाने के लिए। तो फटाफट नीचे गाड़ी पकड़ता हूँ और आपको मिलेंगे सीधे चितई गुल्ला के मंदिर में। दोस्तों चलो अब मंदिर अंदर पहुँच गया, प्रसाद वरसाद लेते हैं यहाँ से। और ये देखो ये रहा मंदिर, ये अंदर चलते हैं। जय हो भगवान। ये देखो गाइस चारों तरफ घंटे घंटे है, ये मान्यता है ना कि अरे 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 मेरे हाथ से छिन कर भाग गया यार, प्रसाद की थैली फाड़ दी यार इसने, अरे तेल भी गिरा दिया, अच्छा सारा सामान फैला दिया इसने, सारा सामान उठाना पड़ेगा। ये देखो अभी सामने बैठा देख रहा है ये, फटाफट हटाओ और निकलता हूँ। चलो चलते हैं, चलो उससे पन्नी फटी है, चलो सामान तो बच गया, कुछ नहीं लेके भागा, फटाफट चलते हैं ना, तो फिर आ जाएगा यहीं कहीं से कोई ना कोई। यहाँ बंदरों को ऐसी है, आप अगर पन्नी लेके आओगे ना अचानक झपट्टा मार के पीछे से सारा सामान ले ले, फाड़ देते पन्नी पीछे से। सो गाइस हम सुबह जल्दी आ गए थे ना इसलिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, तो फटाफट से अंदर पूजा करते। और ये देखो चारों तरफ कागज ही, सबने अपनी अपनी मुरादें लिख के यहाँ पे देखो चढ़ा रखा है। देखो इस मंदिर में मान्यता है कि मुरादें लिख के चढ़ाओ तो पूरी हो जाती है और घंटी चढ़ाने के भी रिवाज है। इसको देखो फिर से झपट्टा मारने है, क्या सोचा फटाफट अंदर नंबर आ गया, पूजा करते हैं और फटाफट प्रसाद वरसाद चढ़ा बाहर जाते हैं क्योंकि भीड़ बढ़ते जा रही है फटाफट, और भीड़ भी काफ़ी हो रही है यहाँ पे अंदर। फटाफट लोग पंडित जी प्रसाद वरसाद चढ़ा रहे हैं। ये देखो गाइस आपको चारों तरफ यहाँ घंटियाँ और कागज़ ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ मान्यता है ना कागज़ पर इच्छा लिख के यहाँ पर टांग जाओ तो पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ घंटी वंटी चढ़ानी पड़ती है, मैंने भी सुना है। तो ये देखो ऊपर से देखो ये चारों तरफ पेड़ों के बीच में जैसा है ये पूरा मंदिर है। देखो तो दोस्तों चलो फटाफट चलते हैं, यहाँ तो पूजा हो जाएगी। ये देखो चारों तरफ घंटे घंटे है, ताऊ जी कह रहे थे एक और गोलू देवता का मंदिर है ना छोटा सा, तो वहाँ भी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ नज़दीक में है, तो फटाफट अब वहाँ के लिए चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी मिलती है तो ठीक है, ना तो पैदल ही चलते हैं क्योंकि यहाँ नज़दीक में ही है ना। तो भाई काफ़ी देर से गाड़ी वाड़ी तो कोई मिली नहीं, हमने कहा चलो पैदल ही चलते हैं। देखो काफ़ी आगे आ गए हैं, अब आने वाला थोड़ा आगे चल गए। तो गाइस चलो पहुँच ही गए, बस यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, ऊपर ही मंदिर है, बस फटाफट पहुँचने वाले, तो फटाफट चलते हैं
और आपको मंदिर में दिखाता हूँ सीधे। तो दोस्तों मंदिर तो पहुँच गए, फटाफट मंदिर के बाहर ही अंकल जी इनसे प्रसाद वरसाद बनवाते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रसाद वरसाद चढ़ा के और धूपबत्ती उबत्ती करके फटाफट मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अब घर आना है ना वापस, तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैं भी फटाफट इनसे बोलता हूँ अंकल थोड़ा जल्दी कर दो। भगवान, तो बस ये जो है ये डाना गोलू देवता का मंदिर है, और क्या कहते हैं इसमें पूजा वूजा करते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें बीड़ी भी चलती है गोलू देवता को, वो भी ले रखी है हमने। तो फटाफट पूजा वूजा करते हैं और गाड़ी वाड़ी पकड़ के फटाफट हम भी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। चलो बाहर आ गए हैं, फटाफट से देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी मिलती है तो गाड़ी पकड़। ये देखो गाइस यहाँ अभी भी कोहरा लगा पड़ा, गाड़ी वाले ने हमें ऊपर उतार दिया, क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ नो एंट्री हो जाती है ना, गाड़ी वालों को आने देते क्योंकि बच्चों बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है। तो चलो गाइस मंदिर से आके नाश्ता वास्ता करके अब मैं भी बस में बैठ गया, बस भी चल गई है, तो कहीं अगर बस रुकती तो वहाँ पर ना, तो सीधे हल्द्वानी में मिलते हैं आपसे। ये देखो गाइस गर्म पानी पर अभी बस थोड़ी देर के लिए रुक रखी है, और उसके साथ साथ ही नीचे कोसी नदी बह रही है, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखो ये रोड के साइड बाय साइड काफ़ी आगे तक, ये देखो पूरी नदी कोसी नदी ये साइड साथ साथ में ही बहती रहती है, आगे जाके फिर उधर से अलग कटती है रोड भवाली के लिए, और ये उधर को अलग तरीके से। तो वह हल्द्वानी पहुँच गया, फटाफट से यहाँ से दवाई लेता हूँ और फटाफट बस पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं पीछे बाईपास के रोड से जा रही है बस, तो काफ़ी टाइम लेगी वो, अगर लेट हो गया तो मैं कहीं ट्रेनें छूट जाएगी। तो सीधा आपको शिटकुल हॉल्ट पे मिलता हूँ और फटाफट मैं दवाई लेके बस पकड़ता हूँ। ये देखो गाइस ट्रेन और हम एक साथ ही पहुँचे, बाल बाल हो गए, तो फटाफट से ट्रेन में चढ़ते हैं और चलते हैं। ये देखो बॉबी भाई और अतुल भाई, अगली ट्रेन रात ही आएगी। चलो चलो भाई चलो, ये चल देगी बेटा। और भगुणा जी दोनों ये फ्यूचर फौजी हैं, फौजी भाई है ऑलरेडी, प्रेजेंट फौजी हैं, पांडे जी भी पहुंच गए। चलो धन्यवाद। घर पहुंच गए और अब खोलिया जी भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, रात भी बहुत हो गई है। तो आज के ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाया, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट में कर देना, मैं उसका सवाल दूंगा। इसके लिए वो मैं भी होता है तो आगे कुछ बताऊंगा नहीं, तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।